हिंडाल्को इंडस्ट्रीज भारत में 3 संयंत्रों में 8,000 से 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। भारतीय कंपनी आदित्य बिरला ग्रुप की फर्म हिंडाल्को इंडस्ट्रीज हीराकुंड, सिलवासा और मुंद्रा संयंत्रों में लगभग 8,000 से 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बना रही है। हिंडाल्को ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2020 से 2021 में कहा है कि निवेश ओडिशा के हीराकुंड में फ्लैट रोलिंग क्षमता के विस्तार, दादरा और नगर हवेली के सिलवासा में नए एक्सट्रूशन प्लांट और गुजरात के मुंद्रा में एक ग्रीनफील्ड साइट में होगा रिसाइकलिंग सुविधा के साथ। यह कहते हुए कि कंपनी अगले 3-7 वर्षों में वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पर ध्यान देने के साथ अपने एल्यूमिनियम डाउनस्ट्रीम व्यवसाय का विस्तार करने की योजना बना रही है। हिंडाल्को ने कहा कि उसके प्रोडक्ट्स एल्यूमिनियम के विविध और जटिल अनुप्रयोगों के लिए अनुकूलित आवश्यकता को पूरा करेंगे। फ्लैट रोल्ड उत्पादों के लिए हीराकुंड संयंत्र की क्षमता 3,40,000 टन प्रति वर्ष होने का अनुमान है। सिलवासा में एक्सट्रूशन प्लांट की नियोजित क्षमता 34,000 टन प्रति वर्ष है, जिसमें बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल और परिवहन, इलेक्ट्रिकल, कंस्यूमर और इंडस्ट्रियल गुड सेक्टर्स में प्रीमियम ग्राहकों की सेवा के लिए 3 एक्सट्रूशन प्रेस होंगे। इसके अलावा मुंद्रा में नई एक्सट्रूशन और रिसाइकलिंग इकाई लैंड एक्विजिशन प्रक्रिया के लिए प्रतीक्षा कर रही है और इसकी क्षमता 93,000 टन प्रति वर्ष होगी। भारत में मुख्य रूप से फ्लैट रोल प्रोडक्ट्स FRP और एक्सट्रूशन सेगमेंट में वैल्यू एडेड पेशकशों का गठन करने वाले डाउनस्ट्रीम पर ध्यान केंद्रित करना जारी है। कंपनी ने कहा कि मार्केट सेगमेंट में बड़े पैमाने पर अप्रयुक्त अवसर मौजूद हैं। हम इस वर्टिकल को भविष्य के एबिटा ग्रोथ ड्राइवर में बदलने के लिए संसाधनों को तैनात करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एल्यूमिनियम की भारतीय मांग वैश्विक मांग से महत्वपूर्ण अंतर से पीछे है। कंपनी ने कहा कि एल्यूमिनियम की लोअर पर कैपिटा कंसम्पशन के साथ यह मीडियम से लॉन्ग टर्म में मजबूत मांग वृद्धि का संकेत है। कंपनी ने कहा कि हमारे भारतीय परिचालन के संदर्भ में उत्कल एल्यूमिना रिफाइनरी के विस्तार से परिचालन क्षमता में वृद्धि होगी। भले ही हम मौजूदा एल्यूमिना क्षमताओं के आधुनिकीकरण के लिए अपने निवेश को जारी रखते हैं, जिससे उत्पादन की गुणवत्ता और साइट पर लागत क्षमता में सुधार होता है। कंपनी ने यह भी कहा कि रेणुकूट रिफाइनरी जैसी पुरानी एल्यूमिना रिफाइनरियों में निवेश से भविष्य में इन रिफाइनरियों की परिचालन लागत कम होने की उम्मीद है।